काफी सारे स्टूडेंट जो है वो सोचते हैं कि सर अब तो बस कुछ ही दिन बचे, अब तो मैं 16-16 घंटे बैठ के पढ़ूंगा। अरे भाई नहीं कर पाता है कोई भी 16 घंटे बैठ के नहीं पढ़ सकता। इनफैक्ट स्लीप ही बच्चों वो चीज है जो आपके दिमाग को चीजों को लंबे वक्त तक याद रखने में हेल्प करती है। तो एक तो ये होता है कि तुम्हारी नाइट स्लीप वो अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 6-7 घंटा। कि अगर आपको लग रहा है कि आप दिन में 10-12 घंटे पढ़ना चाहते हैं, आप क्या करिए, हमेशा अपने 3-4 घंटे जितना भी आपका शेड्यूल है उसके बाद थोड़ी सी नैप लेने की जरूर कोशिश करिए। ये बिल्कुल साइंटिफिक चीज है। 15-30 मिनट्स की नैप लेते हैं ना, नैप मतलब कि बस थोड़ी देर की झपकी खा ली। तो क्या होता है, जब आप सो के उठते हो तब आप वापस से फ्रेश फील करते हो, फिर जब आप वापस से पढ़ने बैठते हो तो आपका दिमाग ज्यादा अटेंटिव होगा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। पर वही चीज अगर आप ट्राई करोगी कि मैं बिना सोए 6 घंटे पढ़ लूं तो आपका दिमाग थक जाएगा, दूसरे दिन दिमाग डल हो जाता है, फिर लगता है अरे गेम्स खेल लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, तो वहां प्रॉब्लम आ जाती है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, आपकी जो पावर है पढ़ने की उसको भी बढ़ा देंगी और आपकी रीगेन मतलब रिकॉल पावर भी बढ़ा देंगी। मतलब जो चीज आपने पढ़ी है बच्चों वो आप ज्यादा अच्छी तरह रिकॉल कर पाएंगे बाद में, अगर आप जो है उसके बाद सोए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों डिस्ट्रेस। अब देखो जब भी हम एक शॉर्ट टाइम हमारे पास बचता है ना, तो मेरे साथ भी ये हुआ था कि यार मतलब 5 हफ्ते बचे हैं, 6 हफ्ते बचे हैं, तो यार सबको एंग्जाइटी होने लगती है, ठीक है, और साथ साथ में पढ़ पढ़ के खूब सारा पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, और ज्यादा एंग्जाइटी बढ़ जाती है। तो स्ट्रेस जो है उस टाइम सभी स्टूडेंट्स को होता है, और स्ट्रेस जो है बच्चों वो आपकी मेमोरी पावर को खा जाता है। अगर आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपके दिमाग में इस तरह के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं जो आपकी मेमोरी को कम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो चीजें पड़ी हैं वो आप लॉन्ग टर्म रिकॉल कर पाएं तो आपको स्ट्रेस को दूर रखना है। बहुत ही बेसिक सी चीजें, आप जो है थोड़ा एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करिए, एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा घूमिए है ना, वॉक करिए या फिर म्यूजिक सुनिए। अगर आप अभी तक ये चीजें नहीं करते थे, मतलब आपने पहले कभी नहीं करा यार मेरे को तो पसंद नहीं है म्यूजिक सुनना, या फिर मेरे को तो जो है भागना पसंद नहीं है, तो अब करो, थोड़ा सा टाइम इन चीजों पे इन्वेस्ट करोगे तो वो तुम्हें क्या करेंगी, डिस्ट्रेस करेंगी। एंड दी वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, ध्यान से सुनो बिल्कुल, एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रिपीटेशन टेक्निक। बच्चों आप जितने भी एग्जाम देते हैं उनमें से काफी एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें आपकी मेमोरी पावर जो है वो टेस्ट करी जाती है, isn't it? आपने एक कोई भी चैप्टर को पढ़ा, पैराग्राफ को पढ़ा, नोट्स को पढ़ा, उसके साइड में आप क्या करिए, उसके साइड में एक पेपर पे एक एक दो दो वर्ड के कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए, जो भी आपने चीज पढ़ी उससे रिलेटेड एक एक दो दो वर्ड के क्वेश्चन लिख लीजिए। आपने एक डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन के लिए एक वर्ड लिख लीजिए, इस चीज का डेफिनेशन क्वेश्चन मार्क। और फिर जब आपने पढ़ दिया एक पेज दो पेज, उसके बाद अपने नोट्स को बंद करिए, बुक को बंद करिए, और उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए कि जो आपने पढ़ा है क्या आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं, क्या आपने जो फंडा समझा है क्या आप उस फंडे को खुद से डिस्क्राइब कर पा रहे हैं कि क्या मैंने पढ़ा है। अगर आप बच्चों ये चीज करते हैं, इसको बोला जाता है एक्टिव रिकॉल।